हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों निफ्टी लगभग 35% का गिरावट दिखा दिया है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जिसमें 5% की भी गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों ऐसे स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और आप ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख के बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, पहला स्टॉक का नाम यहाँ पर देख सकते हैं BASF इंडिया। ठीक है, इसका जो प्राइस है दोस्तों 1100 के आसपास चल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, BASF का आज मैं आप लोगों को चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, नवंबर से मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, और मार्केट कब से गिरना स्टार्ट किया है, मार्च से। ठीक है, फरवरी या मार्च से दोस्तों मार्केट गिरना स्टार्ट किया। ठीक है, नवंबर में दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस इस रेंज में हुआ करता था। ठीक है, इस रेंज में कितना है दोस्तों, देख सकते हो 1900 के बीच में। ठीक है, 1900 के बीच में दोस्तों ये शेयर का प्राइस रहता था। और दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ आता है इस जगह पर कि दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाला है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो देख सकते हो ये स्टॉक में थोड़ा भी गिरावट नहीं हुआ है दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से। यहां पर देखिए, ये थोड़ा नीचे तो गया था दोस्तों, एक 800 का लेवल भी बनाया था, लेकिन दोस्तों फिर से वापस दोस्तों ये जो है बाउंस बैक लेके, और यहां पर देख सकते हैं एक हाईएस्ट प्राइस भी मारा था यहां पर देख सकते हैं 1200 के आसपास। और इतना गिरावट होने के बावजूद भी देखिए, अगर स्टॉक में इस रेंज को देखते हैं तो दोस्तों अभी भी इस रेंज से जो है स्टॉक ऊपर में ट्रेड कर रहा, देखिए स्टॉक ऊपर में ट्रेड कर रहा। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर मार्केट कल को मान लीजिए कि अगर 35% अभी गिरा हुआ, कल को अगर मान लीजिएगा गिर सकता है दोस्तों 40% या 45% भी गिर सकता है मार्केट, तो ऐसे स्टॉक में आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटली और स्ट्रांग स्टॉक है दोस्तों। और उसका बाद देख सकते हैं दोस्तों IPCA, यहां देख सकते हैं लैब है। तो दोस्तों लैब वाले को आपको क्यों खरीदना है, अभी जो गवर्नमेंट है दोस्तों सबसे ज्यादा अगर छूट किसी को दे रही है तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर छूट दे रही है तो ऐसे लैब वाले कंपनी को। अगर हम स्टॉक की बात कर लेते हैं, स्टॉक का परफॉर्मेंस का बात कर लेते हैं, तो दोस्तों स्टॉक यहाँ पर देख लीजिए डबल बॉटम लगाया था दोस्तों। कौन से प्राइस पे ये डबल बॉटम लगाया था, 400 के रेंज में दोस्तों ये डबल बॉटम लगाया था। और उसके बाद स्टॉक में एक बहुत अच्छी रैली आई दोस्तों, ये 400 का स्टॉक 1600 हो गया था, 1600 हो चुका था। तो आप देख सकते हैं इतना लंबा तेजी स्टॉक में देखा जा रहा था। ठीक है, अगर अभी मार्केट गिरने की वजह से दोस्तों अगर स्टॉक गिरा भी है तो ये देखिए 1600 के रेंज में था और अभी 1380 रुपीज़ लगभग दोस्तों 1400 के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, 1400 को, तो इसमें अगर देखते हैं तो दोस्तों 200 की गिरावट है, इसमें भी कुछ खास गिरावट नहीं है। सोचिए कुछ ऐसे स्टॉक है दोस्तों, मारुति जैसे स्टॉक यहां पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां देख लीजिए दोस्तों, मारुति जो है 7000 के आसपास ये ट्रेड हुआ करता था, और दोस्तों ये जब भी मार्केट अपर सर्किट में जाता था तो दोस्तों 7500 का ये स्टॉक जो है हाईएस्ट मारा करता था। लेकिन आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं केवल 4000 रुपीज़ बचा है, केवल 4000 रुपीज़ बचा है। अगर और भी अच्छे से अच्छे स्टॉक में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देख लीजिए IRCTC स्टॉक अगर देख लेते हैं तो ये 2000 रुपीज़ को टच करने वाला था, 2000 रुपीज़ को, लेकिन आज के डेट में ये आपको 1000 रुपीज़ में दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों वो जितने भी स्टॉक है 50% गिर गए हैं, 50% गिर चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऐसे स्टॉक मार्केट को बूस्ट देता है दोस्तों और सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो ऐसे लैब वाले स्टॉक को आपको अभी छोड़ना नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो है दोस्तों दीपक नाइट्रेट। अब इस कंपनी को क्यों खरीदना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। दीपक नाइट्रेट दोस्तों ये जो कंपनी है ये हेल्प कर रही है हमारे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जितने भी पेशेंट्स हैं उनको और हमारे देश को भी हेल्प कर रही है। अब आप पूछेंगे कैसे, दोस्तों ये जो है कंपनी मास्क और एक वेंटिलेटर मशीन होता है वो बनाने में हेल्प कर रही है। तो दोस्तों अगर वो मशीन बनता है तो हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको आराम से दोस्तों रहने के लिए और जीने के लिए मतलब आराम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी कंपनी जो है मास्क बनाने के लिए और वेंटिलेटर बनाने के लिए जो है ऐसे हेल्प कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जब से यह कंपनी, ज़्यादा दिन से नहीं दोस्तों, कुछ दिन पहले से, मतलब ये देख सकते हैं 15 या 20 डेज़ के आसपास, और उसी समय से दोस्तों जैसे इसके हाथ में प्रोडक्ट मिला यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा बहुत इसमें बाउंस बैक की जो है उम्मीद यहाँ पर दिखने लगी है। देखिए अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो बाउंस बैक की उम्मीद इसमें आपको देखने लगती है। और ये दोस्तों हाईएस्ट भी गया था स्टॉक 550 रुपीज़ के आसपास गया था दोस्तों, 550 रुपीज़। और ये भी दोस्तों जो दीपक नाइट्रेट है ये एक ज़माने में, मतलब दोस्तों 2016 में ये केवल 40 रुपीज़ में मिला करता था, और आज के डेट में दोस्तों ये स्टॉक जो है 500-600 को टच कर रहा है। और बस मार्केट की वजह से इसमें थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, लेकिन जैसे ही मार्केट आपको जो है बाउंस बैक देना स्टार्ट करेगा ऐसे स्टॉक फिर से आपको अपर सर्किट मारना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे स्टॉक को आपको छोड़ना नहीं है।
ठीक है, दीपक नाइट्रेट को आपको खरीद के चलना है, खरीद के चलना है, खरीद के चलना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो मैं आपको बोलता हूं दोस्तों आईसीआईसी बैंक, ठीक है। आईसीआईसी बैंक दोस्तों इतना फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है ये दोस्तों, हर एक चीज़ में इंक्लूड हो रहा है, हर एक चीज़ में। इसका अगर ग्रोथ देखते हैं दोस्तों, अगर देखते हैं इक्विटी पर शेयर, अगर हम इसका देखते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर, तो वो भी जो है इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन दोस्तों मार्केट ने इसको भी गिरा दिया है दोस्तों। और इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ ICICI बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो आपको अच्छा रिटर्न दिखाएगा, वो भी छोटे बैंकों में से एक है। अभी देख लो HDFC बहुत ज़्यादा प्राइस है, HDFC का मान लीजिए 700-800 के आसपास उसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का भी देखिए 1000 से ज़्यादा है, ठीक है, 1000 से ज़्यादा। दोस्तों हम चाहते हैं कि छोटे प्राइस में हमें अच्छा स्टॉक मिल जाए, तो वो ICICI बैंक है। छोटे स्टॉक में अच्छा प्राइस में अगर आप सोचोगे तो वो ICICI बैंक है, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर, और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों ICICI बैंक की बात, तो यहाँ पर देख सकते हैं शोभा। शोभा एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों कि मार्केट जंप मारते ही आपको कम से कम तो ये 50% या 40% का रिटर्न आपको जरूर देगा ही देगा, और जल्द ही दोस्तों, जल्द ही, मतलब कि जैसे मार्केट सही हो जाएगा। और सही कब होगा दोस्तों? जब कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, तो क्योंकि कोरोना वायरस जब तक रहेगा हमारे मार्केट को वो दोस्तों और इकोनॉमिक को आगे नहीं जाने देगा, तो दोस्तों मार्केट और भी गिरेगा, तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यही जो स्टॉक है शोभा, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, बहुत अच्छा। अभी जो इसका प्राइस चला दोस्तों 146 रुपीज है, और उसके बाद इसमें 9% की आपको अपर सर्किट भी देखी जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत आपको दे रहा है, ऐसे स्टॉक को छोड़ के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। शोभा दोस्तों आप देख सकते हो, आप जितने भी दोस्तों रियल स्टेट सेक्टर है वहां पर अभी बहुत ज्यादा नुकसान ही हो रहा है लोगों को, और कोई अपना अपार्टमेंट छोड़ के, सोसाइटी छोड़ के, घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे घर में दोस्तों, ऐसे जो स्टॉक है इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, ये स्टॉक लगभग मुझे लगता है दोस्तों 600 रुपीज़ से करेक्ट हो चुका है, और वहाँ से करेक्शन होने के बाद दोस्तों आज आपको केवल 150 रुपीज़ से भी नीचे मिल रहा है। तो ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, दोबारा बहुत कम मिलेगा आपको, शायद ना के बराबर ही। और अब एक दोस्तों मैं आप लोगों को ऑटो सेक्टर का स्टॉक बताता हूँ, वो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मारुति, ठीक है। अब बोलोगे कि मारुति को क्यों खरीदना है? दोस्तों हमारे मोदीज़ ने जो हमारी किसी भी कंपनी को डाउनग्रेड करता है, अपग्रेड करता है, तो दोस्तों हमारे मोदीज़ ने ये जो है मारुति सुजुकी का जो प्राइस है, टारगेट प्राइस है, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, और दोस्तों इसको अब खरीदना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारी अब जो है बहुत ज़्यादा प्राइस गिर चुका है मारुति में, आप देख सकते हो जितने भी सेक्टर हैं बहुत ज़्यादा ऑटो सेक्टर में नुकसान हुआ, लेकिन दोस्तों मारुति में अब आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जल्दी और ज्यादा ही आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने एक और स्टॉक है, तो यहां पर मैंने आपको दोस्तों मुथूट फाइनेंस और निपोन इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक भी आपको देखे, गोल्ड का प्राइस गिर रहा तो दोस्तों स्टॉक गिर रहा, लेकिन आप याद कीजिए कि जब कोरोना नहीं आया था तो दोस्तों स्टॉक में डेली आपको 10% 5% का अपर सर्किट देखा जाता था मुथूट फाइनेंस में, ठीक है। और दोस्तों निपोन इंडिया भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक मैंने जो आप खुद ही देख लीजिए, जो मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताया हूं जिसमें ज्यादा गिरावट भी नहीं हुआ है और फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। हालांकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको छोटा सा वीडियो में आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, नहीं तो आने वाले दिनों में आप खुद ही देख लोगे, और इसके ऊपर मैं एक और रिपीट वीडियो भी बनाऊंगा जिससे आपको याद भी रहेगा कि हाँ मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा दोस्तों। अगर इसमें से आपके पास कोई स्टॉक है या रखना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप एक बार अपना फाइनेंशियल एडवाइजर और आप भी एक बार अपना फंडामेंटल, चाहे जो भी टेक्निकल है, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो लॉस भी आपका होगा और प्रॉफिट भी आपका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।